हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 26 के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजीज़ आर इनफॉर्मली नोन एज ऑनलाइन चैट, यानी कि किन प्रौद्योगिकियों को अनौपचारिक रूप से ऑनलाइन चैट के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें इनफॉर्मली जाना जाता है ऑनलाइन चैट के नाम से, उन्हें कहा जाता है ऑप्शन सी, सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन सेशन कॉल्ड बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स शेयरिंग कंप्यूटर डाटा इन रियल टाइम, यानी कि वास्तविक समय में कंप्यूटर डाटा साझा करने वाले दो या अधिक प्रतिभागियों के बीच एक संचार सत्र को क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऑप्शन ए, डेटा कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश इज समटाइम्स कॉल्ड ATC। ऑप्शन सी, कॉन्फ्रेंस कॉल इज समटाइम्स कॉल्ड ATC। ATC यानी कि ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर फोर है, MRAM स्टैंड्स फॉर। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन डी, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अ डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस सेंटर्ड ऑन एन इंडिविजुअल पर्सन्स वर्क स्पेस, यानी कि डैश एक व्यक्ति के कार्यक्षेत्र पर केंद्रित उपकरणों को जोड़ने के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क है। वो है ऑप्शन सी, पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्लिप स्टैंड्स फॉर। SLIP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अ डैश इज अ वेबसाइट यूजली मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल विद रेगुलर एंट्रीज ऑफ कमेंट्री डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स और इंटरैक्टिव मीडिया सच एज इमेजेस और वीडियो, यानी कि डैश एक वेबसाइट है जिसे आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसमें टिप्पणियों की नियमित प्रविष्टियों, घटनाओं के विवरण या छवियों या वीडियो जैसे परस्पर संवादात्मक मीडिया शामिल हैं। उसे कहेंगे ऑप्शन बी, ब्लॉग यानी कि वेबलॉग्स। क्वेश्चन नंबर एट है, द क्रेडिट ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग डिग्री क्लासेस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी गोज टू दी विच यूनिवर्सिटी, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और धातु विज्ञान में पहली शुरुआती डिग्री कक्षाओं का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है। ये क्रेडिट जाता है ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस को। क्वेश्चन नंबर नाइन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, इन द वेक ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भोपाल त्रासदी के मद्देनज़र भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद था ऑप्शन ए, आर्टिकल 253।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु प्रोवाइड्स डेटा ट्रांसमिशन अमंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स स्मार्टफोन्स टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, यानी कि कंप्यूटर स्मार्टफोन टैबलेट और व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों जैसे उपकरणों के बीच डाटा ट्रांसमिशन कौन प्रदान करता है। वो है ऑप्शन सी पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।